यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट है और हम लोग एनिमिलिया में पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ चुके थे, तब हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो पोर से पॉरीफेरा हम लोगों ने याद किया था और हम लोगों ने देखा था कि इसका बॉडी डिजाइन क्या होता है। बहुत सिंपल होता है, इसमें सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं जबकि इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिलेंट्रेटा के बारे में और सिलेंट्रेटा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका बॉडी डिजाइन थोड़ा सा डेवलप्ड होता है, मतलब इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसके बाद आता है आप लोग का तीसरा फाइलम जिसका नाम क्या है, प्लेटीहेल्मिंथीस। तो प्लेटीहेल्मिंथीस जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है, प्लेट मतलब क्या हो गया, चपटा। तो जो चपटा बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म हो गए उसका नाम क्या हो गया, प्लेटीहेल्मिंथीस। और मैंने आपको बताया है कि पीछे वीडियो में मैंने बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है, इसके बाद मैंने आपको यह भी बता दिया है कि सीलोम क्या होता है, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वर्ड यूज करूंगा और आपको वो समझना है, यदि तो आप पीछे समझ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्लेटीहेल्मिंथीस। तो नाम से ही पता चल गया कि इसका बॉडी कैसा होता होगा, प्लेट जैसा चपटा होता हो गया। द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन देन इन द टू अदर ग्रुप्स वी हैव कंसिडर्ड सो फार। तो हम लोगों ने दो ग्रुप्स में, जैसे मैंने बताया पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, उससे इसका बॉडी डिजाइन क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। द बॉडी इज bilaterally symmetrical। अब देखिए, अब वो जो तीन वर्ड्स मैंने आपको शुरू में सिखाया है, bilateral symmetrical हो गया, या फिर सीलोम प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, ये सारा चीज हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अब लिखना होगा। यह diploblastic है या triploblastic है, यह भी क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा। तो इसके बाद जो भी phylum आएंगे उसमें हम लोगों को वहां mention करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या हो गया, द बॉडी इज bilaterally symmetrical। बॉडी क्या होता है, bilateral symmetrical होता है। bilateral symmetrical का मीनिंग क्या होता है, यह मैंने आपको अलग वीडियो से बताया है, आप उसको पढ़ लीजिए। यहाँ भी मीनिंग दिया गया है, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। तो bilateral symmetrical मैंने आपको उस टाइम बताया था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि बीच से काट दें तो बॉडी डिजाइन यदि एक जैसा है तो उसको हम लोग बोलते हैं bilateral symmetrical। तो ये बॉडी डिजाइन इसका कैसा होगा, bilateral symmetrical, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद थ्री लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम विच डिफरेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड। तो अब बताइए इसमें तीन जर्म लेयर्स होंगे तो इसका नाम क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आंसर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए पहला पॉइंट हो गया ये बायलेटरल सिमेट्री इसमें पाया जाता है, दूसरा हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि इसका बॉडी कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है, विच इज वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा, दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड, ये मैं बता दे रहा हूँ। देयर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम। तो यही मैं बता रहा था सीलोम के बारे में, यहाँ बताया गया कि इसमें सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब ट्रू सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ए सीलोमेट एनिमल। तो अब चलिए, अब हम मैं फिर से बता दे रहा हूँ तीन पॉइंट्स आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा कि ये bilateral symmetry होता है इसके बॉडी में। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा कि इसका जो बॉडी है उसमें तीन जर्म लेयर्स पाया जाता है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये एसीलोमेट एनिमल होता है। तो तीन पॉइंट्स आपने देखा, बहुत आसान है। पहला क्या हो गया bilateral symmetry, दूसरा क्या हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, और तीसरा क्या हो गया एसीलोमेट। तो अब देखिए यहाँ पर तीनों को यहाँ पर फिर से परिभाषा बताया गया है, तो एक बार मैं चाह रहा हूँ कि फिर से आपको बता दो। तो पहले तो प्लेटीहेल्मिंथीस के बारे में तीन पॉइंट्स आपने पढ़ लिया। तो अब बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, मैंने बता दिया कि लेफ्ट और राइट साइड जब एक जैसा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। इसके बाद यदि जर्म लेयर, इसमें तीन जर्म लेयर पाए जाएंगे जिससे कि बॉडी का विकास होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये मैंने आपको पहले पूरा विस्तार से बताया है। Which is why such animals are called triploblastic. This allows outside and inside body lining as well as some organ to be made. और यहाँ पर ये जो triploblastic है इसी कारण से इसमें organ का development हो सकता है। There is thus some degree of tissue formation. तो इसमें tissue पाया जाएगा। चौथा point हम लोगों ने क्या याद कर लिया है कि इसमें tissue पाया जाएगा। देखिए कितना point हो गया, चार point। पहला bilateral symmetrical,
दूसरा क्या हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरा क्या हो गया सिलोमेट, और चौथा टिश्यू यहाँ पाया जाएगा और कुछ हद तक ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन होगा। ये चार पॉइंट्स हो गए। However, there is no true internal body cavity. और यदि true body cavity नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं acoelomate। ये मैंने बताया था कि acoelomate मतलब क्या हो गया, body cavity नहीं है। Coelomate मतलब क्या हो गया, body cavity पाया जाएगा। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, pseudocoelomate। तो pseudocoelomate में patches पाए जाएंगे coelom के, ये मैंने बताया था। In which well-developed organs can be accommodated, मतलब इसमें well-developed organ नहीं पाए जाएंगे जो कि यहाँ पर रह सके। The body is flattened dorsiventrally, meaning from top to bottom. चलिए चार पॉइंट्स हो गए, पांचवा क्या हो गया, इसका डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। डॉर्सल क्या होता है, पीठ वाला जो साइड है उसको डॉर्सल कहेंगे, और ये जो पेट वाला साइड है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। तो डॉर्सी वेंट्रली, जैसे कि मान लीजिए ऐसा है तो ये हो गया डॉर्सल साइड और ये क्या हो गया, वेंट्रल साइड। तो ऊपर से नीचे इसका बॉडी क्या होता है, चपटा होता है। यही बोलता है कि डॉर्सी वेंट्रली इसका बॉडी क्या होता है, चपटा होता है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पांच। तो पांच भाग आ गया, बता सकते हैं क्या आप पांचों, मैं ऐसे उंगली करूंगा आप बताइए क्या हो गया। यस, बायलेटरल सिमेट्रिकल। दूसरा क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीसरा एसिलोमेट। चौथा बताइए क्या हुआ, कुछ लेवल ऑफ टिश्यू और पाए जा सकते हैं। पांचवा क्या हो गया, पांचवा यहाँ पर क्या हो गया कि इसका डॉर्सिवेंट्रली बॉडी क्या होता है, चपटा होता है। तो इसमें आपको ऑर्गन वर्ड एग्जाम में लिखने की नहीं जरूरी है, आप सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर होगा, नहीं तो कभी कभी हो सकता है कि कोई टीचर आपको गलत भी कर दे। दे आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। छठा पॉइंट भी देख लीजिए, वो फ्री लिविंग होंगे या फिर क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। फ्री लिविंग मतलब जैसे कि हम लोग फ्री लिविंग है, और पैरासाइट क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग के बाल में यदि जू हो गया तो जू क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, जो कि हमारे बॉडी में रह रहा है। तो पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहता है और उससे अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो सम एग्जांपल्स आपको याद कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल्स कौन हो गए, प्लेनेरियंस हो गए, पैरासाइटिक एनिमल्स लाइक लिवर फ्लूक हो गए। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, प्लेनेरियन एंड लिवर फ्लूक। देख सकते हैं ये टैपवर्म भी क्या है, ये पैरासाइट है। लिवर फ्लूक भी क्या है, पैरासाइट है। तो ये टेपवर्म के बारे में आपको आगे की क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ना है कि तो ये तीन एग्जांपल आपको याद रखना है, प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, और क्या हो गया, टेपवर्म हो गया। इसके बाद आता है नीमाटोडा, नीम से नीमाटोडा। याद आपने नहीं किया है मुझे लगता है, आप लोग को लगता है कि सर बहुत फालतू पढ़ा रहे हैं, इसको याद क्यों किया जाए। कुछ ने कमेंट्स किया कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई खास चीज तो मैंने नहीं बताया, निमोनिक्स के थ्रू पूरे दुनिया याद कर रहा है और मैंने आपको याद करा दिया तो आपको नहीं पसंद आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीमाटोडा। तो नीमाटोडा हम लोगों का कौन सा ग्रुप हो गया, चौथा। यहाँ देख सकते हैं द नीमाटोडा बॉडी इज ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो अब चलिए बस वो जो तीन पॉइंट्स हम लोगों ने याद किया है वो याद कर लेना, यहाँ भी लिख देना है। पहला क्या हो गया, बायलेटरल सिमेट्रिकल हो गया। दूसरा क्या हो गया, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, दो आ गया। तीसरा सिलोमेट एनिमल है या नहीं है, इसे ही हम लोग को यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है। तो ये सिलोमेट नहीं होता बल्कि क्या होता है, सूडो सिलोमेट। तो आपको याद रखना है कि नीमाटोडा ही क्या होता है, एक सूडो सिलोमेट होता है, बाकी कोई नहीं। तो ये वीवीआई क्वेश्चन आ गया आपका कि सूडो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन है। तो आपको नाम क्या याद रखना है, नीमाटोडा। सूडो सिलोमेट कौन है, नीमाटोडा। तो सिलोमेट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलोमेट के बारे में, लेकिन यहां पर क्या आ गया हम लोग का, सूडो सिलोमेट एनिमल, और ये क्या है बताइए, नीमाटोडा। तो तीन पॉइंट्स बताइए जल्दी से, बायलेटरल सिमेट्रिकल हो गया, दूसरा क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सूडो सिलोमेट एनिमल हो गया। हो गया, तीन पॉइंट्स आपका बन गया। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। हाउएवर द बॉडी इज सिलिंड्रिकल। बॉडी क्या होता है, सिलिंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो प्लेटीहेलमिंथिस है उसका बॉडी चपटा होता है, लेकिन इसका बॉडी चपटा नहीं होता है बल्कि क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। देयर आर टिश्यूज, इसके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज, बट नो रियल ऑर्गन्स। यहाँ भी रियल ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इसलिए मैंने बताया प्लेटीहेलमिंथिस में हम लोग को लिख देना है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन लिख देना है, यहाँ भी लिखना है कि रियल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद वाले ग्रुप से हम लोग को पढ़ना है कि रियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। Although a sort of body cavity or pseudocoelom is present. तो क्या हो गया, pseudocoelom इसमें present हो गया।
तो चौथा पॉइंट हम लोग को हो गया कि इसका बॉडी क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इस प्रकार से हम लोग को लिख देना है, मतलब चपटा टाइप नहीं होता है, सिलिंड्रिकल टाइप होता है। तो चलिए चार पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या हो गया, बायलेटरल सिमेट्रिकल। दूसरा क्या हो गया, सिलोमेट है या सुडोसिलोमेट है, सुडोसिलोमेट। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आप बताइए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। और चौथा क्या हो गया, बॉडी सिलिंड्रिकल होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, दीज आर वेरी फैमिलियर एज पैरासिटिक वर्म्स काउजिंग डिजीजे। और ये बेसिकली पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एलिफेंथियसिस हो गया, जिसको हम लोग फाइलेरियल वर्म्स। एलिफेंथियसिस किसके द्वारा होता है, फाइलेरियल वर्म्स के द्वारा होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, जैसे कि राउंड वर्म हो गया या फिर पिन वर्म हो गया, ये इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाया गया है, ये स्केलमेंथिस है और ये वुजरेडिया ऑन क्राफ्टी है, इसी से एलिफेंथियसिस होता है। और ये क्या है, स्केरी से आप देख सकते हैं, ये मेल और फीमेल को दिखाया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको एग्जांपल एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, या तो आप बार बार वीडियोस को देख के याद कर लीजिए, या तो बुक को पढ़ के याद कर लीजिए, या सुबह सुबह उठ के याद कर लीजिए, जैसे मन है उसको याद करिए, लेकिन इसको याद करना जरूरी है। तो एलिफेंथियसिस फाइलेरियल वर्म कौन है, विजरेडिया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं राउंड वर्म या पिन वर्म क्या करेगा, इंटेस्टाइन में ये बहुत सारे डिजीज को काउज करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, यह हो गया नेमाटोडा। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करिए और इन वीडियोस को बहुत ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी की वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।